हेलो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ वो जो मेरा भाई है बंधु प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर यूज में लेते हो उन लोगों के लिए बहुत काम में आने वाला है। फोटोज़ प्रिंट करने के लिए मैं L805 जो प्रिंटर है उसको यूज में लेता हूँ, लेकिन ये प्रिंटर यूज करते हुए मेरे को लगभग 2 साल हो चुका था, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कत आ रहा था। ऐसा कुछ दिक्कत जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन में जो फोटोज दिखाई देता था हमको, जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह दिखाई देता था, जैसे दिखाई देता था एप्सन L805 जो फोटो प्रिंटर है उसमें से निकलने के बाद फोटोज का कलर वगैरह बिल्कुल चेंज हो जाता था। ऐसा कुछ होता था जैसे कि फोटोज का कलर डार्क आ जाता था, कभी कभी फोटोज का कलर बहुत वाइड आ जाता था, फेड हो जाता था। मैं परेशान हो गया, आप लोगों का क्या बताऊँ, मैं परेशान हो गया इस चीज़ को लेकर। मैंने YouTube का बहुत सारा वीडियोज देखा, लेकिन मेरा काम का कोई भी वीडियोज मेरे को नहीं मिला। बहुत सारा, पहले तो मैं समझता था फोटोशॉप का बहुत सारा सेटिंग वगैरह भी चेंज कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम मेरे को जो आता था सेम आता था। कुछ कुछ टाइम तो फोटोज वगैरह ठीक ठाक निकल जाता था, दूसरा टाइम मैंने ये सोचता था क्या प्रिंटर का कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने जो प्रिंटर का जो इंक है वो ओरिजिनल इंक जो होता था ना, मार्केट से आता था ओरिजिनल इंक, वही लगाता था। कोई डुप्लीकेट इंक वगैरह मैंने आज तक नहीं यूज किया। उसके बाद प्रॉब्लम का हल पता चला। इस प्रॉब्लम का मेन रीजन जो है वही आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। सिर्फ L805 जो प्रिंटर है उसका दिक्कत नहीं है, सभी फोटोज प्रिंटर का सेम मामला है। ये जो प्रॉब्लम आता है ना वो प्रिंटर का या फोटोशॉप का प्रॉब्लम नहीं है, आपका पेपर्स का प्रॉब्लम है। वो जो फोटो निकलता है, जो फोटोज पेपर होता है ना, फोटो पेपर का प्रॉब्लम है। मेरे पास 1 2 3 4 4 टाइप्स का पेपर है अभी तो, ठीक है। एक नॉर्मल क्वालिटी का पेपर है, जो नॉर्मल क्वालिटी नहीं है ठीक से, सभी फोटो पेपर है। एक्सलेम का पेपर है, कोडक का पेपर है, और कोडक का प्रीमियम क्वालिटी का पेपर है, और VMS का प्रीमियम क्वालिटी का पेपर है। सभी पेपर्स में से इस फोटो को प्रिंट आउट करके आपको दिखाएंगे, और सेटिंग वगैरह हर टाइम सेम रखेंगे। जो फोटो पेपर प्रीमियम ग्लॉसी जो क्वालिटी होता है हाई में, उस सेटिंग में रखकर फोटो को हर एक पेपर में से निकाल के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स सब देखते रहिए। फिलहाल अभी एक पासपोर्ट फोटो जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हो, 2.5 सेमी बाई 3.5 सेमी का एक पासपोर्ट फोटो मैंने ले लिया। इस फोटो को मैंने हर एक जो फोटो पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया उस फोटो पेपर में से प्रिंट आउट करके निकाल के दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। जो कौन सा फोटो पेज आप लोगों के लिए सही होगा, अगर आप दुकान में फोटोज वगैरह या पासपोर्ट फोटोज वगैरह प्रिंट करते हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। हर एक टाइम फोटोज का सेटिंग्स वगैरह सब एक रखेंगे, एप्सन प्रीमियम ग्लॉसी और हाई में रख कर उसको हम प्रिंट देंगे। देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंट निकल रहा है, फोटोज का प्रिंट हो रहा है। देखते रहिए फ्रेंड्स। एक एक करके सभी का प्रिंट इस तरह से निकाल लेंगे। निकलने के बाद सभी फोटोज को हम कंपेयर करके दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिजल्ट निकल कर आया है सभी
फोटो जो पेपर है मेरे पास, फोर टाइप्स ऑफ पेपर्स है। कोडक का 180 GSM वाला पेज है, कोडक का 280 GSM वाला पेज है, एक्सलेम का 180 GSM वाला, और फाइनल में जो VMS का 260 GSM वाला 4.6 का पेजेस है। देखिए आप लोग खुद रियलाइज कर सकते हो जो फोटोज का प्रिंट निकल कर आया है अभी। ठीक है, मेरे ख्याल से VMS का 260 GSM वाला जो पेजेस है उसका प्रिंट क्वालिटी दूसरा जो पेपर्स है उनमें से बहुत बेहतरीन आया है। लगभग हर एक टाइम पर VMS का जो पेपर है वो सही रिजल्ट देता है, और उसका ऊपर फोटो पेपर का ऊपर फोटो निकलने के बाद जो ग्लॉसीनेस है वो VMS का सबसे ज़्यादा है। और पेपर जो है, पेपर का प्राइस का भी बहुत डिफरेंसेस है। कोडक का 180 GSM वाला जो पेजेस हमने मार्केट से ख़रीदा था वो 20 पेजेस का मेरे को रेट जो आया था लगभग 100 रुपीज़ का आया था, और कोडक का 280 GSM वाला उसका प्राइस मेरे को आया था लगभग 300 रुपीज़ का, और एक्सलेम का 180 GSM जो पेजेस था इसका प्राइस सबसे लो था। इसका प्राइस मेरे को आया था लगभग 55 रुपीज़ का आया था, 20 पेजेस का। और VMS का 260 GSM जो पैकेट आता है 4.6 का, ये 100 पेजेस का था, और इसका रेट मेरे को लगा था लगभग 270 रुपीज़ का। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई दुकान है या स्टूडियो वगैरह है जहाँ से आप फोटोज वगैरह प्रिंट करके कस्टमर को देते हो और आपको तुरंत काम करना पड़ता है, चट जल्दी काम करना पड़ता है, तो मेरा सलाह मानो तो आप VMS का 260 GSM वाला पेपर ही यूज करो। नहीं तो फिर एक एप्सन का पेजेस आता है प्रिंट के लिए, उसको यूज में लो। ये जो दो पेजेस है इसमें से फोटो प्रिंटिंग का क्वालिटी बेहतरीन आता है। मैं जो दूसरा जो ब्रांड जो है उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरा यूजर एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कैमरा से खींच के आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो में वो फोटोज का डिफरेंसेस आपको सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने फोटोज को अलग से खींच कर इसको स्क्रीन शॉट बनाकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग समझ पाओ कि कौन सी फ़ोटो का क्वालिटी किस तरह से निकल के आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।